नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसे कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आज जो है मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कि हर यूट्यूबर्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है, हर यूट्यूबर्स के लिए जो है वो चीज़ें ज़रूर लगाई जाती है। जी हां, हम बात करते हैं अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल में दो चीज़ें आपको रखना ज़रूरी होता है। वो होता है उसका जो है प्रोफाइल फ़ोटो, यानी कि जो आपका मेन जो चैनल है उसका जो लोगो दिखता है वो आपके चैनल में उसका जो है प्रायोरिटी होता है और उसको लोग देखकर आपके आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि आपका फेस है या फिर आपका कोई चैनल का नाम है तो वहाँ पे उसका लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है लोगों को रिक्वायरमेंट होती है ऐसा प्रोफेशनल के तौर में। जब आप प्रोफेशनल बनते हैं यूट्यूबर तो आपको वो चीज़ें लगानी होती है ताकि लोगों के बीच जो है एक अलग उसको लेकर चैनल को लेकर परसेप्शन बने। दूसरा होता है उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड और जब लोगो लग जाता है तो आपका चैनल जो है एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है और प्रोफेशनल जब लुक प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली जब आप एक अच्छा चीज़ पेश करेंगे तो लोगों का जो नज़र है, जो लोगों का मेंटलिटी है वो आपके प्रति बेहतर बनेगा। तो आज मैं जो है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, लाइव डेमो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल का जो प्रोफाइल फोटो है और जो बैकग्राउंड फोटो है उसको अपडेट कर सकते हैं और उसका साइज क्या होता है और आप उसको किस साइज में लगाएं ताकि वो जो है लोगो आपके चैनल के लिए फिट कर जाए और आपको देखने में भी बेहतरीन लगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका साइज भी क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ और किस तरीके से अपने प्रोफाइल फोटो को और बैकग्राउंड को लगाते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं अपने जो YouTube का अकाउंट है उसका आप जो है कवर फोटो चेंज करना या फिर बैकग्राउंड चेंज करना तो आप जो है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये सारी जानकारी जैसे कि मैं बोला था कि आपको बताऊँगा। तो मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे कैसे आपको करना होता है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल दुनिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकल दुनिया लिखा हुआ है तो ये लोगो है, लोगो ऑलरेडी आप लोग को बनाना पड़ेगा और लोगों को बनाकर इसको किस में फिट करना पड़ेगा, कितना पिक्सल लेना पड़ेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ये आपको बनाना पड़ेगा और इसको किस पिक्सल में बनाना है इसको भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको फोटोशॉप पर चलना होगा, तो मैं चलता हूँ फोटोशॉप पर। जैसे ही आप फोटोशॉप पे चलते हैं, देखिए ये मेरा लोगो हो गया। ठीक है, इसको लोगो को यहाँ पे मर्ज कर दिए। ठीक है, लोगो को मर्ज कर दिए और ये जो फाइल है वो 800x800 पिक्सल का है, यानी कि 800x800 पिक्सल्स। ठीक है, तो आप इसको 800x800 पिक्सल्स में आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। जैसे फिट करके इसको फिर आप जो है सेव कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बैकग्राउंड, इसको याद रखिएगा कि 800x800 पिक्सल में है ये। ठीक है, आप जो है अगर आप चाहें तो आप जो है YouTube का भी सहारा ले सकते हैं कि आपका जो पिक्सल्स होता है वो कितने का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि YouTube कवर साइज। ठीक है, कवर साइज डाल सकते हैं आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड का है ना, तो बैकग्राउंड का हमें नहीं करना है, पहले हमको ये करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 800x800 पिक्सल्स आ रहा है, जो कि मैं यही चीज़ बताया हूँ आपको कि 800x800 पिक्सल में यहाँ पर बीच में मर्ज कर देना है और इसको सेव करते हैं तो फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। दूसरा है ये आपको ऐसा बना लेते हैं तो आपको ये 25x60x14x40। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब बैकग्राउंड साइज। ठीक है, आपको क्या करना है कि 2560x1440 का पिक्सल लेना है और उस पिक्सल में इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, अब आप जैसे ही मर्ज करते हैं तो इसको आपको सेव कर देना है, तो आपका ये कवर फोटो हो गया और आपके बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, आप इसको सेव कर लेते हैं जो जो मैं साइज बताया उस साइज में। इसके बाद आपको चलना है यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे ही आप यूट्यूब पे खोलते हैं तो आपका चैनल का ऐसे आइकन आता है और आप ही देखते हो कि ऐसा आइकन आता होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा जाता है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं आपको देखिए एक नया टैब खुल जाएगा।
आप देख सकते हैं जैसे ही नया टैब खुलेगा आपको देख सकते हैं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके यहाँ पे लोगो भी आ जाएगा ऑलरेडी, अगर लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा चेंज पे। चेंज पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको अपलोड करने के, और जहाँ भी आप सेव किए हैं वहाँ से आप डायरेक्ट उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों इसको सेव कर लिया है। यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्मेट आता है। अगर आपने साइज नहीं दिया होगा तो फिर नहीं आएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। देखिए कि आप ये जो लोगो है किस तरीके से फिट हो गया। जैसे ही ये आता है आप यहाँ से सेट एज प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए आपके प्रकार आपका, जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद ओके होने के बाद देखिए ये आ गया। इसके बाद जब आप रिफ्रेश मारते हैं तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ से जो आप है कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे बैकग्राउंड चेक करने के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे चलते हैं एडिट चैनल आर्ट आ रहा है, यहाँ पे एडिट चैनल आर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही चैनल आर्ट पे क्लिक करते हैं आपको आता है सिलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो जहाँ पे आप रखे हैं वहाँ से इसको फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ये इंटरफेस आ गया, इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है आपको। जैसे ही आप ओपन करते हैं आप देखिए यहाँ पे ये होगा, और अगर आपने साइज़ दिया है सही तो ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर में ऐसा दिखेगा, लैपटॉप में ऐसा दिखेगा, कंप्यूटर में ऐसा दिखेगा, और मोबाइल में इस प्रकार का फॉर्मेट दिखेगा। अगर लगता है कि सही है तो फिर आप जो है यहाँ से एडजस्ट करके क्रॉप भी कर सकते हैं कि आप जो चाहें। अगर नहीं चाहते हैं सही है तो फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर जो है चेंज जो है सेव यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने अकाउंट का जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब मैं दूसरे फॉर्मेट में खोल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब टेक्निकल दुनिया सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है ये ऐसा आ गया, और फिर आपको जो टेक्निकल दुनिया चैनल है ये ऐसा आ गया। तो इस तरीके का इस्तेमाल कर कर आप भी अपने अकाउंट को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इस तरीका को अपनाइए, ओके। तो देखा आपने कि इस तरीके को अपना कर जो है आप अपने चैनल का बैकग्राउंड और जो प्रोफाइल फोटो है उसको चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो चैनल का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा, और लोग जो है आपके चैनल पर ज़्यादा ट्रैफिक आने में सक्षम हो पाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।